बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को हमेशा सुधारना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस वीडियो को देखने के लिए नहीं आते। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, एक ऐसा प्रैक्टिस बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही नेचुरल है। बस आपको मात्र 30 सेकंड लगातार 10 दिनों तक करना है, फिर आप खुद अपने लाइफ में बदलाव को देखेंगे। ये प्रैक्टिस करने के बाद जो फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलेगी उसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस सीक्रेट के बारे में बताऊं, आपको कुछ फैक्ट्स को समझना होगा, और ये फैक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है जो पैसों के प्रति आपको अपने दृष्टिकोण पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के आधे से अधिक लोगों के पास लगभग 3 महीने से कम इमरजेंसी सेविंग फंड्स है? मतलब आधे से ज्यादा लोगों के पास अगर कुछ मुसीबत आती है तो वो मात्र 3 महीने तक ही नेचुरली अपने घर को चला पाएंगे। और ये बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है, और ये और भी ज्यादा खतरनाक तब होता है जब आपको पता चलता है कि आपके जीवन में अबंडेंस है ही नहीं, प्रचुरता तो है ही नहीं। आप जरा सोचिए, क्या आप हमेशा से इसी तरह की जिंदगी जीना चाहते थे? और ये सिर्फ आप पर लागू नहीं होता है, लगभग सभी व्यक्ति हमेशा से इसी तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। यहाँ पर आपको उदास होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समाज ने, ये सोसाइटी ने आपको भीड़ में रहने के लिए सिखाया है। मतलब आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आप दूसरों की तरह कैसे बनेंगे, आपको इस चीज के बारे में सिखाया गया है। यहाँ पर क्रिएट होता है एक लिमिटिंग बिलीव्स। बस आपको ये बता दिया गया है कि आप दूसरों की तरह कैसे बनेंगे, यानी कि दूसरों लोगों की जो लिमिटिंग बिलीव्स है, आपका बिलीव्स भी उतना ही दूर तक जाएगा, आप उससे ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। यही तो आपके जीवन में स्कार्सिटी माइंडसेट क्रिएट करता है। यहाँ पर एक कंपैरिजन की भावना उत्पन्न होती है जो कि स्कार्सिटी माइंडसेट को और ज्यादा हावी कर देती है। उस वक्त आप दूसरों की तरह बनने के लिए सोचने लगते हैं, उनकी तरह बातें करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह चलते हैं, मतलब उनके सभी एक्टिविटी को आप कॉपी करते हैं। आपको कुछ नया सोचने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। इसलिए बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते हैं कि जो टेक्निक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप 30 दिनों के भीतर ही अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आप पैसों को आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसे विस्तार से समझते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता हूँ कि पैसा मनुष्य के जीवन में एंजाइटी और स्ट्रेस का जड़ हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसों के प्रति आपके विचार और आपका विश्वास ही आपके दिमाग के स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही विचार अगर आप हेल्दी माइंडसेट से क्रिएट करते हैं तो ये आपके दिमाग के वाइब्रेशंस को और बढ़ाता है, जिससे कि हमारे सबकॉन्सियस माइंड को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि सफल होने के लिए एक हेल्दी मनी माइंडसेट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब पैसों के बारे में आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, और जब बिलों का पेमेंट करने में या रेंट पेमेंट करने में या फिर किसी भी चीजों के लिए पैसों की बात आती है, तब आपके दिमाग में पैसों को लेकर बहुत ही कम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट रूप से सोचना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे लोग अपने बनाने वाले को या गॉड को या ईश्वर को या भगवान से बस पैसों को मांगने की प्रार्थना करते रहते हैं। लोग ऐसे कहते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे जल्दी अमीर बना दो, मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, मुझे इतने तकलीफ क्यों दे रहे हैं। लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे लोग ये नहीं जानते हैं कि जब आप भगवान से कुछ ऐसी बातें करते हैं या उस एनर्जी से कुछ ऐसी बातें करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब आप अपने जीवन में उन्हें कमी के रूप में दर्शाते हैं। आप अपने जीवन में अभाव की स्थिति की कामना करते हैं, और यही अभाव की स्थिति यानी कि स्कार्सिटी माइंडसेट आपके इस विचार पर केंद्रित होता है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में पैसों की कमी है, ब्रह्मांड में पैसे पर्याप्त नहीं है। इसलिए सबसे पहला कदम आपके मन से मनी स्कार्सिटी को निकालना होगा, प्रचुरता के बारे में सोचना होगा, कमी के बारे में नहीं। आइए आगे समझते हैं कि कैसे आप प्रचुरता के बारे में सोचेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन से अभाव की स्थिति को दूर करना है, क्योंकि जब आप अपने मन से अभाव की स्थिति को दूर नहीं करते हैं, तब आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी तरह तरह के मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लो, आप कभी भी अधिक पैसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपके माइंडसेट को बदलने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप कितने पैसे कमाने के काबिल है। आपको अपने इनकम को बढ़ाने के लिए हर वो पॉसिबिलिटीज को अपनाना चाहिए, ये सोचने के बजाय कि आपके पास पैसों की कितनी कमी है। आप ये सोचिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे, उसके बाद पैसे आपके जीवन में किस तरीके से आएंगे, उस चीज के बारे में आप मत सोचिए। बस आप अपने काम पर फोकस करें और ये सोचते रहे कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि जब आप पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं तब आपके जीवन में और भी ज्यादा पैसों की कमी होने लगती है।
आप पैसों के अभाव को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने लगते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले पॉजिटिव शब्दों का बोलना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि सही तरीके से प्रार्थना करना। अपनी प्रार्थना में सही शब्दों का इस्तेमाल करके और इसे बार बार प्रैक्टिस करके आप अपने मन में एक मेंटल मूवी क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्रचुरता वाली जिंदगी होगी, क्योंकि आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने जीवन के लिए एक नई कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर आप इसे ठीक तरीके से समझ लेते हैं तब आप पाएंगे कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल स्टेट्स पर, यानी कि आपकी भावनात्मक स्थिति पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं और आपकी फीलिंग्स वैसे ही काम करने लगती है। एक प्रोस्पेरिटी माइंडसेट के साथ आपकी फीलिंग्स काम करने लगती है। उस वक्त आप जो भी काम करेंगे आप फुल पोटेंशियल के साथ उस काम को कर पाएंगे और आपको ये पता होगा कि आप जैसा काम करेंगे रिजल्ट भी वैसा ही आपको मिलेगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और रिजल्ट्स ये लगातार चलने वाले चक्र है जिसे आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने जीवन में एक फाइनेंशियल अबंडेंस को पा सके। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना को बार बार बोलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की आवश्यकता है। जब आपने अपने माइंडसेट को बदल दिया, एक सही प्रार्थना, सही शब्दों का इस्तेमाल किया, तब आपको विजुलाइज करना है। यही दूसरा तरीका है, विजुलाइजेशन। और सबसे फाइनल स्टेप होता है जब आप अपनी इच्छाओं पर बिल्कुल स्पष्ट सटीकता के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं। तब आप अपने दिल में जो कुछ भी चाहते हैं उसे सीधे अपने जीवन में आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि अगर आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप कितने पैसे आकर्षित करना चाहते हैं तो आप उस पैसे को जरूर आकर्षित करेंगे। बस आपको एग्जैक्ट उस अमाउंट को बोलना है। और याद रहे, उस अमाउंट के प्रति आपको फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उस अमाउंट को बोले तब आपकी दिल की धड़कन बढ़ जानी चाहिए। फिर चाहे वो अमाउंट 1,000 ही क्यों ना हो, 1,00,000 ही क्यों ना हो, या 1,00,00,000 ही क्यों ना हो, या यहाँ पर आपके कुछ डिजायर्स भी हो सकते हैं, जैसे आप कोई कार को चाहते हैं या बंगला चाहते हैं, तो पर्टिकुलरली उसके बारे में आपको बोलना है। जब आप उस चीज के बारे में बोले तो आपकी फीलिंग्स बिल्कुल कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना डिटेल और स्पेसिफिक तरीके से आप अपनी इच्छा के बारे में विजुलाइज करते हैं, आपकी इच्छा उतनी तेजी से आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होती है। लेकिन आपको एक कदम और आगे बढ़ना होगा। अपनी इच्छा के साथ साथ एक डेट भी आपको लिखना है, एक दिनांक तारीख लिखना है आपको, क्योंकि जब आप तारीख के साथ लिखते हैं तब ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट स्ट्राइक करती है। आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा, जब आपका बचपना था, आप बच्चे थे, उस वक्त आपकी बहुत सारी इच्छाएं थी, आप बहुत सपने भी देखा करते थे, आप बहुत बड़े बड़े भी सपने देखते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके मन में मनी स्कार्सिटी घेरने लगी, आप पैसों की कमी के बारे में सोचने लगे, आप अपने जीवन में मुश्किलों के बारे में सोचने लगे, जिससे कि आपका वाइब्रेशंस नेगेटिव होता गया। यहाँ पर आपको बच्चा बनना है कि आपको वो चीज चाहिए तो चाहिए, कैसे मिलेगा, कौन देगा, कहाँ से मिलेगा, इस चीज के बारे में आपको नहीं सोचना है। बस आपको जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचना है, कितना अमाउंट चाहिए उसके बारे में सोचना है, कब तक चाहिए उस डेट के बारे में भी सोचना है, और उस पर एक्ट करना शुरू कर देना है, मतलब उस पर काम करना शुरू कर देना है। फिर आप देखेंगे कि आपके विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, जिससे कि आपका वाइब्रेशंस पॉजिटिव होगा, और वही वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से इस ब्रह्मांड तक जाती है। और ब्रह्मांड तो बैठा हुआ है हमारे हर एक सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे हर एक वाइब्रेशंस का, हर एक ऊर्जा का रिएक्शन देने के लिए। जिस तरह की ऊर्जा आप ब्रह्मांड को देंगे, ब्रह्मांड भी सेम उसी तरह की ऊर्जा आपके जीवन में अवसर के रूप में ला कर देगा। अपनी इच्छा के बारे में लिखते वक्त आप खुशी और उत्साह महसूस करें, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा करने से आप एक अनस्टॉपेबल व्यक्ति बन जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए अगले 6 महीनों में आप 6,00,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो इसे हर दिन बोले, इस पर विश्वास करे, और एक प्रार्थना के रूप में हर दिन रात को सोने से पहले केवल 30 सेकंड्स के लिए इसे बोलकर सोए कि मुझे अगले 6 महीनों में 6,00,000 रुपए कमाने का सौभाग्य है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में 6,00,000 रुपए आ चुके हैं और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। जब आप इस तरह के पॉजिटिव और एम्पावरिंग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और उस वक्त आप अपनी कल्पना शक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं, आप कल्पना करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 6,00,000 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं, उस वक्त आपकी वाइब्रेशंस बहुत ही तीव्र होती है, आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगती है। उस वक्त आप भूल करके भी ऐसा ना सोचे कि वो पैसे कैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, क्योंकि किस तरीके से पैसा आना, कौन सा माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, ये पूरा और पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा का काम है। बस आपको एक्ट करना है और ऐसा सोचना है, आपको कार्य करना है और ऐसा सोचना है। ऐसा कभी ना सोचे कि ये 6,00,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में कैसे आएंगे, बल्कि आप ऐसा सोचे कि ये 6,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, आप इसे कैसे खर्च करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और खुशी और उत्साह महसूस करना है आपको, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार अब आप जानते हैं कि आप जैसा सोचते हैं और जैसा आप महसूस करते हैं बिल्कुल वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित भी करते हैं।
इसलिए हमेशा याद रखें कि आज आप जितने पैसे कमा रहे हैं उतने पैसे कमाने पर आपको विश्वास था, कभी न कभी विश्वास था तभी आप इतने पैसे आज कमा रहे हैं। और जब आप वर्तमान में इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं तब आप उतने भी पैसे भविष्य में कमाने लग जाएंगे। ब्रह्मांड से कुछ भी मांगने वक्त बिल्कुल ना घबराए, और जब आप इस प्रार्थना को हर दिन बोलेंगे तब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन में एक बहुत ही शानदार बदलाव महसूस कर रहे हैं। प्रार्थना के शब्द कुछ इस तरह से है, मैं अपने जीवन में बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं धन के अनंत स्रोत में से एक हूँ, भगवान का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बरसता रहता है, मैं जितने भी पैसे अपने जीवन में खर्च करता हूँ चाहे जिस भी चीजों के लिए खर्च करता हूँ मेरे पैसे कई गुना बढ़कर आते हैं, मैं अपने शरीर की ऊर्जा का तालमेल पैसों की ऊर्जा के साथ आराम से बैठा रहा हूँ, पैसा हमेशा मेरे पास आने का रास्ता खोज ही लेता है, मैं पैसों से बहुत ही प्यार करता हूँ, पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा कमाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं धन और प्रचुरता की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने जीवन में हर जगह अवसर की तलाश करता रहता हूँ। एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप इन प्रार्थना के शब्दों को बोले उस वक्त आपको खुशी महसूस करनी होगी, उस वक्त आपको एक जुड़ाव महसूस करना होगा ताकि आपके हर एक शब्द आपके अवचेतन मन तक जा सके, और एक बार आपके कोई भी शब्द आपके अवचेतन मन तक चला जाए तब आपका अवचेतन मन ही एक्टिवेट होकर एक एनर्जी के रूप में इसे क्रिएट करके इस ब्रह्मांड को भेजता है, और आकर्षण के नियम के अनुसार आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मांड आपको इन रिटर्न उसी तरह की ऊर्जा वाली अपॉर्चुनिटीज ला कर देता है, आपके जीवन में हर वो पॉसिबिलिटीज ला कर देता है जिसके आप वास्तविक हकदार है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।